सब्सक्राइब कीजिए टेक ऑनलाइन जॉब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। एक बड़ी खबर निकल कर आई है दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए। यह खबर है जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से निकल कर आई है, जिसको सुनने के बाद आपको काफी खुशी होने वाली है। तो इस वीडियो में क्लियरली आपको विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो बने रहे अंत तक। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन से बोर्ड हो, कौन सी स्टेट से हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही था, आज मीटिंग होने वाली थी, तो एक मीटिंग हुई है सभी बोर्ड की, जिसमें सीबीएसई बोर्ड भी था। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक फैसला लिया है दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को पता ही है जो मीटिंग होने वाली थी, इसके अंदर बात होने वाली थी कि दसवीं और बारहवीं के छात्रों को क्या बिना परीक्षा के पास करना चाहिए या नहीं। तो इस पे एक डिसीजन लिया है सभी बोर्ड ने मिलकर। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने भी एक डिसीजन लिया है दसवीं कक्षा के लिए कि दसवीं कक्षा के बिना छात्रों को बिना परीक्षा के पास कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा डिसीजन लिया है सीबीएसई बोर्ड ने। और अभी अगर बारहवीं कक्षा के छात्रों की बात की जाए, तो बारहवीं कक्षा के छात्रों पर अभी इन्होंने भी कोई डिसीजन लिया, और यहाँ तक कि हरियाणा बोर्ड ने भी कोई डिसीजन नहीं लिया। मुझे ये बात अभी तक हजम नहीं आई कि इन्होंने टाइम बोला है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए कि दसवीं के छात्रों को अभी पास कर देना बेटर रहेगा, और बारहवीं के छात्रों के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए और हम जल्द ही आपको सोचकर इसके ऊपर भी एक अपडेट देंगे, इन्होंने ये बोला है। फिलहाल दसवीं छात्रों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बारहवीं छात्रों को भी यहाँ पे पास कर दिया जा सकता है। फिलहाल तो इन्होंने यही अपडेट दिया है सीबीएसई बोर्ड ने और हरियाणा बोर्ड ने। और आप कौन से बोर्ड से हो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी अपडेट है जरूर आपको मिलेगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी बोर्ड से जरूर कमेंट करें, जल्दी आपको उसका अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि सभी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।